Hi friends, welcome to Wonder Trees. Remember, it's your channel. Don't forget to subscribe and touch the bell icon for getting quick alerts of my next videos. In this video today, I will talk to you about my bad habits that I really do practice in my garden and incur losses, damages and serious blunders in my garden out of innocence. To take care of my plants at time, I make mistakes which I want to make you alert of. दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको अपने कुछ ऐसे बुरी आदतों के बारे में बताऊंगा जो मैं अपने गार्डन में करता हूं और उससे क्या होता है कि मेरे गार्डन नष्ट हो जाते हैं, मेरे फूल खराब हो जाते हैं, मेरे पौधे कभी कभी मर भी जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और जानिए कि कैसे बुरी आदतों से मेरे गार्डन मैं खुद नष्ट करता हूँ। प्लीज बी विद दिस वीडियो टिल द एंड टू नो अबाउट माय बैड हैबिट्स दैट आई इनकर टू लूज माय फ्लावर्स and flowering plants and other effects. So उससे क्या होता है कि पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो आदतें हैं मैंने बताया आपको, वो छोटी-छोटी गलतियां हैं, शायद आप भी करते हो और आपके पास ऐसे भी फूल हो सकते हैं आपके गार्डन में, जरूर पहले वो आप देख लीजिए। ये हल्दी का फूल है जो शायद ही किसी के गार्डन में होगा। ऐसे बहुत वैल्यूबल फूलों को हम अक्सर नष्ट कर देते हैं, जैसे कि मैंने किया है। ये अपने अनुभव की बात है। जैसे ये मेरे रोजेस हैं, इसे भी उसी कैटेगरी में मैं ला रहा हूँ। दिस रोजेस कैन आल्सो बी डैमेज्ड बाय दोज बैड हैबिट्स एंड बैड प्रैक्टिसेस इन माय गार्डन। दीज आर ब्यूटीफुल फ्रैगरेंट फ्लावर्स एंड दीज आर द फ्लावर्स हिबिस्कस, एज यू नो दीज आर आल्सो प्रोन टू दोज बैड हैबिट्स and they suffer from dying. These flowers last only for one day. So if you will be careless and do that practice, those bad practices, they will simply be destroyed within no time. So please be careful and I will be showing you some more flowers which are more prone to all these bad habits or innocence. These are not fragrant. नहीं देते हैं लेकिन खूबसूरत हैं, बेहद ही खूबसूरत हैं, जो कि आपकी साधारण सी गलतियों से मुरझा जाते हैं और पौधे भी नष्ट हो सकते हैं। और यह है कामिनी। दीज आर कामिनी फ्लावर्स व्हिच आर वेरी मच फ्रैग्रेंट, बहुत ही खुशबूदार होते हैं और लच्छेदार तरीके से फूलते हैं और साल भर लगभग ये फूल देते रहते हैं। और इसके बीज भी होते हैं, काफी ढेर सारे बीज होते हैं। हर एक फूल से बीज बनता है जो कि आपको और भी पौधे बनाने में मदद करते हैं। दीज फ्लावर्स बिकम सीड्स व्हेन दे ग्रो एंड दे हेल्प यू इन ग्रोइंग योर गार्डन। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज ब्यूटीफुल फ्रैग्रेंट फ्लावर्स। आई विल शो यू सम अदर फ्लावर्स टू। प्लीज डू बी विद दिस वीडियो एंड if you are having these flowers in your garden, the entire garden, even one plant in your garden can make your entire garden fragrant. So it's a beautiful plant. This doesn't grow much longer. This is a bushy type flower. Watch this, these flowers, chrysanthemum. These are also no doubt beautiful flowers. They can bloom in bunches. They can decorate your garden. This is golmohar. This is a beautiful flower having been grown throughout the year. ये साल भर फूलने वाले कृष्णचूड़ा पौधा है और इसमें काफी सारे फूल आते हैं और साल भर आते रहते हैं और छोटे छोटे फूल होते हैं। इसे भी मैं उसी कैटेगरी में लाता हूँ जो कि अपने इस छोटी सी गलती से मुरझा जाते हैं। आपके पास गार्डन में मोगरा भी हो सकते हैं। यू माइट बी हैविंग दिस मोगरा फ्लावर्स। एज यू सी आई हैव
with number of words. This can be destroyed by that habit. I will be telling you just soon. Please be with this video. ये एक बहुत ही शानदार प्लांट है उसी हो सकता है और ये देखिए ये फूलों से लगा हुआ मेरे गार्डन जो कि अनगिनत है। अगर इसके ऊपर मैं अपना गलत आदत का इस्तेमाल करूं तो रात भर में ये इतने खराब हो जाएंगे कि इसको आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूमिंग इन ब्रांचेस एंड इवन द लीव्स आर हिडन ऑन द फ्लावर्स आर सोन एंड दिस इज द फ्लावर सीजनल फ्लावर ब्लूमिंग इन दिसंबर ओनली। आई होप यू विल बी सीइंग दिस फ्लावर्स वेरी रेयरली। You may be having, but as you see here, these are very beautiful. They can decorate your garden for that month, 2 months. And these other flowers I am going to show you, that will be, this is beautiful flower blooming in bunches, and they also come under that category, which can be destroyed, and the plant may be also destroyed by this small habit. These are the small flowers that you see here, just in a small pot, but they can decorate your. These are having little smell, if you can observe. Again, I am showing you this flower plant, which I have told you is known as kamini. ये kamini का पौधा है, और इसी के ऊपर मैं आपको आज वीडियो का एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा कि मैंने इसको क्या से क्या बना दिया है। ये इतना अच्छा फ्लावर है, इतना ब्लूमिंग है और इतना खुशबूदार है, लेकिन मैंने अपनी छोटी सी गलती से इसे कैसे क्या से क्या बना दिया है, ये आप आज इस वीडियो में देखेंगे। और मैं आपको ये भी करके बताऊंगा कि कैसे मैं इसको नष्ट कर दिया और कैसे दूसरे पौधों को भी मेरी इस छोटी सी गलती नष्ट कर देता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, आई रिक्वेस्ट यू दैट नॉट टू प्रैक्टिस दिस बैड हैबिट व्हिच आई हैड। But now I don't have, I am all well aware of the fact that these are destructive habits and injuring habits, killing habits, and these are bad habits. Of course, the intention behind the art is very innocent. And you see here, my dear friends, I have caused this sort of injury to that kamini plant. मैंने उस कामिनी प्लांट का क्या हालत बना दिया है ये आप देख सकते हैं। एक भी फूल नहीं है, एक भी कली नहीं है। आने वाले दिनों के लिए इसके पास कोई फ्यूचर नहीं है। There is no future of this plant now. After a long time, it can give you beautiful flowers again. But for this season, for this time, they have been just destroyed. I am sorry to show you. This is very ugly. Now what I have made by my small mistake. Now I am showing you some other plants. You will be amazed. I will experiment on this plant today. This is, as you know, ये गेंदे का फूल है और ये लगभग साल भर खिलता है। ये भी उस आदत के मारे मर जाता है। ये पौधे का ऐसे कुछ होता नहीं है कभी कभी, लेकिन इंजुर हो जाता है जरूर। जैसे देखिए, ये मैंने आपको करके दिखाया कि मेरी गलत हैबिट क्या है, ऐसे पानी देना। बड़ी सिंपल सी चीज है, इसके पीछे हम बहुत मतलब पेड़ पौधे के अच्छाई के लिए हम करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है कि ये पौधा को किल करता है। मैंने इतना रिस्क उठा के आपको ये वीडियो बनाया, तो हो सकता है आप इसको सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को देखें। ऐसे अच्छी अच्छी जानकारियां मैं देता रहूंगा। आई विल बी ग्लैड इफ यू सब्सक्राइब बिकॉज आई हैव टेकन दैट रिस्क एंड ऑलमोस्ट कॉस्ट डैमेज टू दैट ब्लूमिंग फ्लावर्स लिटिल फ्लावर्स आई हैव इन दैट प्लांट। ऑफ कोर्स यू कैन वाटर योर लीफी प्लांट्स। आप अपने पत्तेदार पौधों को ऐसे में सिंचाई करें तो ये पौधों के लिए, उसके पत्तों के लिए हो सकता है बेनिफिशियल हो। उसके मैल भी निकल जाते हैं और ये पौधा साफ भी हो जाता है। लेकिन ऐसे फूलों का जो कि बहुत लच्छेदार तरीके से खिलते हैं, आप ये देखिए,
बासिल का प्लांट है, तुलसी का, इसको आप हो सकता है एक हफ्ते में एक बार ऐसे वॉश कर ले, तो क्या होता है कि उसमें कीड़े मकोड़े जो है वो धुल जाते हैं और आपका पौधा अच्छा रहता है। लेकिन हफ्ते में एक बार अगर रोज ऐसा करने लगे तो ये खराब हो जाए। आप अपने बंसाई प्लांट्स का भी ऐसे वॉश करके उसका गंदगी हटा सकते हैं, उसका खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो वाटर दोज मोगरा प्लांट्स, यू सी हियर, दिस इज थुजा, दिस इज नो डाउट ए लीफी प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जरा डिटेल में देखिए ये पौधे का, ये थुजा प्लांट है, उसका मैंने क्या हल कर दिया है। गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने उसे ऊपर से पानी से नहला दिया था, और आप देखिए इसका जड़, मैं आपको बारीक से दिखाऊं, ये जड़ से मर गया है। ये पानी के लिए बना ही नहीं है, इसके ऊपर बूंद पानी भी, एक बूंद पानी भी नहीं गिरना चाहिए। तो ऐसे कुछ और भी प्लांट है, मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा किन 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 प्लांटों पर आपको पानी नहीं डालना है। ज्यादातर फूल वाले जो पौधे होते हैं उनके ऊपर आप पानी बिल्कुल ही ना डालें। नेवर इवन अलाउ ए ड्रॉप टू फॉल ऑन योर फ्लावरिंग प्लांट्स व्हेन इट इज फ्लावरिंग, अनलेस इट इज दैट रिक्वायर्ड वी शुडंट पोर वाटर ऑन द टॉप ऑफ द प्लांट्स। सो दिस इज माई कंक्लूजन, दिस इज द डेरिवेशन आई हैव गॉट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। So please don't practice this wrong habit in your garden, which can make you, can kill you, kill your plants, sorry, kill your plants. For any other mistake I have made in this video, I may be excused. So please, I repeat again, request again to subscribe my channel and don't forget to touch the bell icon for getting quick alerts. I remain, sir.